हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त रहें। तो देखिए, मैं आज आप लोग को अपने किचन से क्या दिखा रही हूँ, यानी मैं दिखा रही हूँ आप लोग को गोभी का मंचूरियन। तो देखिए, इसको मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि छोटा छोटा टुकड़ा काट लेना है गोभी को, और ताजे गोभी से ही अच्छा लगेगा ये। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब तो सर्दी जाने वाली है। जाने वाली क्या, हर जब कई कई जगह तो थोड़ा कम भी हो गया है, तो हम लोग जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं। एक बार बना के फैमिली को खिलाइए, अच्छा लगेगा। ज़्यादातर आजकल के ज़माने में तो लोग ज़्यादा मंचूरियन पसंद करते हैं। होटल रेस्टोरेंट कहीं भी जाए तो मंचूरियन का ऑर्डर ज़्यादा आता है। तो आप लोग अच्छा और हेल्दी घर पे बना के खिला सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं गोभी को छोटा छोटा काट ली थी, उसके बाद फिर मैं इसको गर्म पानी में नमक डाल करके थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक हल्का सा बॉईल कर ली थी। ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर ये टूटने लगेगा गोभी पकौड़ा बनाते समय। तो इसी तरह से मैं अपना एक जाली पे निकाल लूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए, और इसको मैं ठंडा करूँगी थोड़ा देर के लिए। तो देखिए, अब गैस लग कर देती हूँ बंद। इसके बाद मैं अब चल रही हूँ इसको पानी निकालने, एक जाली पर रखूँगी, पहले अच्छे से पानी निकल जाए मेरा, और इसको ठंडा करना है। तो देखिए, मैं फटाफट अब निकाल लेती हूँ। मंचूरियन तो सभी को पसंद आता है, और बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी को अच्छा लगता है। तो मैं रख दी उसको साइड में ठंडा होने के लिए। अब इधर मैं तैयार करती हूँ इसका घोल पकौड़े के लिए। तो पकौड़े के लिए मैं ली थी 1 कप कॉर्नफ्लावर, और 1 कप ली थी मैं मैदा, और उससे थोड़ा सा कम ली थी चावल का आटा। इन तीनों का हमें घोल तैयार करना है। तो देखिए, अब तीनों को मैं ले ली हूँ। अब इसमें डालूंगी थोड़े से स्पाइसी मसाले, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, मतलब नॉर्मली जो घर के मसाले होते हैं। तो इसमें मैं डाली थोड़ा रेड चिली पाउडर, और इसमें डाली मैं थोड़ा सा नमक, और ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है काली मिर्च का पाउडर। इन तीनों को, चारों को मतलब मसालों को, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका अच्छा सा एक घोल तैयार करेंगे। न तो ज़्यादा मोटा करना है, न ज़्यादा पतला घोल, बस इसी तरह से कर लेना है इसको। अब इसी में हम कोडिंग करेंगे। तो देखिए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपने सारे गोभी के ऊपर। तो मेरा मिश्रण थोड़ा सा पतला लग रहा है, इसके लिए मैं इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा डालूंगी मैदा या कॉर्नफ्लावर, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ताकि इसका हमें अच्छे से निकाल के पकौड़े तलने में आराम रहे। तो देखिए, इसके ऊपर मैं डाल दी थोड़ा सा मैदा। अब डाल करके हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि हमारा थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब इस तरह से एक एक ठोक करके मैं निकाल लूंगी पकौड़ा, ताकि हमें छानने में आराम रहेगा। देखिए, तो साइड साइड में सारा प्लेट पर फैला ली। अब इधर मैं डाल दी हूँ कढ़ाई में तेल। तेल में इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से कुरकुरा हो जाता है, अंदर से कच्चा रहता है। तो थोड़ा मीडियम आँच पर इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, मैं इसी तरह से सारा फ्राई करती हूँ, और कितना बढ़िया से कलर आ रहा है, देखने में लग रहा है इसको ऐसे ही चाट मसाला छिड़को, इसके ऊपर तुरंत खा लो। मगर हमें तैयार करना है इसका मंचूरियन, तो हम इसको तैयार करेंगे मंचूरियन के ग्रेवी में। तो देखिए, कितना बढ़िया कलर दिख रहा है आप लोग को भी। इसी तरह से मैं सारा बैच अपना फ्राई कर लूँगी, और बहुत टेस्टी भी होता है, इसका पकौड़े भी खा सकते बना करके। तो देखिए, कितना बढ़िया बना है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, गोभी भी दिख रहा है, और बाकी ऊपर से एकदम क्रंची क्रंची बना हुआ है। इधर आप लोग को सब्जी दिखा देती हूँ जो जो अंदर जाएगा। तो ये है चिली, और ये है अनियन, ये है हरे पत्ते वाला प्याज, और शिमला मिर्च, और अदरक लहसुन छोटा छोटा सब काट के रख ली हूँ, ताकि हमें तैयारी फटाक से पहले से करके रखना चाहिए। तो इधर मैं ली थी, अब इसके ग्रेवी के अंदर जो डालना है वो दिखा देती हूँ। तो मैं ग्रीन चिली ली थी 1 कप, मतलब 1 कप नहीं, सॉरी, 1 चम्मच, और उसी चम्मच से फिर मतलब मैं ली थी सोया सॉस और विनेगर, इन दो तीनों को एक साइड में मिक्स करके रख दी। और इधर ये है कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा पानी डाल के, हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिए थे, उसमें पानी डाल के इसको भी हल्का सा पतला सा घोल बना के रख लेंगे साइड में। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में डालते हैं ग्रीन चिली, और इसमें गया है अदरक और लहसुन, इन तीनों को डाल के अच्छे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करना, क्योंकि इसमें सब्जियां सारा क्रंचीपन रहता है सब्जियों का। तो हल्का से इसको भून लेंगे, मतलब अदरक लहसुन को, और हल्का से जब ये भून जाएगा तो इसके अंदर डालेंगे हम प्याज, सॉरी, ये शिमला मिर्च गया, और गया प्याज,
अब इन दोनों को डाल के अच्छा सा हम भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि इसमें थोड़ा कच्चापन ही अच्छा लगता है, तो हम थोड़ा सा भून लिए। उसके अंदर अपना एक ग्रेवी डाल दिए सोया सॉस वाला, और जो विनेगर का बना के रखी थी, और इसमें गया एक कटोरी, छोटी वाली कटोरी भर के टोमेटो केचप, और थोड़ा सा गया लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक और एक कॉर्नफ्लावर वाला पेस्ट। इन सबको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता, बस हल्का हल्का बस इनको भूनना पड़ता है। इस पर मैं डाली स्प्रिंग अनियन डाल के इसको थोड़ा सा और पका लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना पकौड़ी डाल दी। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और कितना टेस्टी भी लग रहा है, मतलब हमारे फैमिली को तो पसंद है। आप लोग इस तरह से बनाइए और अपने घर पे खिलाइएगा, तब हमें कमेंट में बताइएगा हमारी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए वीडियो को, और फुल वॉच करके देखा करिए। तो देखिए कितना बढ़िया से लग रहा है। इसको आप फ्राइड राइस से खा सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, और बहुत बढ़िया लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको ऊपर से मैं डाल दी थोड़ा सा सफ़ेद तिल। चलिए देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। बाय बाय, अच्छा लगा वीडियो तो।